आप सबका स्वागत है नमस्ते साइंस में। तो आज हम देखने वाले गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप क्या है ये हम पहले जानेंगे। गायरोस्कोप जो होता है वो किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रॉकेट में या फिर बोट में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखेंगे इसे घर पर कैसे बना सकते हैं। हम अब देखेंगे गायरोस्कोप ये कैसे तैयार करेंगे। हमें पहले एक सीढ़ी लगने वाली है, एक टॉय मोटर, एक बैटरी और एक डब्बे का ढक्कन। अब हमने इसके कनेक्शन जो है डायरेक्टली है। आप यहाँ बीच में स्विच भी लगा सकते हैं, ब्लैक टू ब्लैक एंड रेड टू रेड। ये क्लिप आप देख सकते हैं, सिर्फ इतना ही सर्किट है। ये आप फेविक्विक से लगा सकते हैं और यहाँ जो सीढ़ी का होल होता है उसमें मोटर मैंने लगाई है और उसका जो पॉइंट होता है आगे का उसको मैंने वो व्हील टाइप लगाया है। ये घूमता रहना चाहिए, ऐसे घूमता रहना चाहिए, ये सीढ़ी को अटैच नहीं होना चाहिए। ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के बाद वो ऐसा लगेगा। इसका प्रिंसिपल जो है वो हमें मालूम चाहिए। इसका प्रिंसिपल जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, इस डिस्क के जोरदार घूमने से इसका बैलेंस होता है इस एजेस पे। इसका यूज़ रॉकेट में या फिर बड़े जहाज में होता है। हम जैसे बैटरी पे ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वैसे हम स्पिनर लगा के ये कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ या सीढ़ी को बीच में स्पिनर लगाया है, फिडेट स्पिनर। ये घुमाने के बाद आप देख सकते हैं ये भी बैलेंस हो रहा है। इसका भी प्रिंसिपल फिडेट स्पिनर पहले प्रोजेक्ट जैसा ही है। और ये जब ये स्पिनर रुक जाएगा तब ये इसका बैलेंस होना रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको तो ये समझ आ चुका होगा ये कैसे करना है। ये आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं और इससे खेल भी सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।